पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। देशबंध चित्तस्य धारणा तत्र प्रत्यय एकतानता ध्यानम् तदेव अर्थमात्र निर्भासम् स्वरूप शून्यमिव समाधिः त्रयमेकत्र संयमः तज्जयात् प्रज्ञालोकः तस्य भूमिषु विनियोगः त्रयमन्तरंगं पूर्वेभ्यः तदपि बहिरंगं निर्बीजस्य व्युत्थान निरोध संस्कारयो रभि भव प्रादुर्भावो निरोध क्षण चित्तान्वयो निरोध परिणामः तस्य प्रशांत वाहिका संसारात् सर्वार्थता एकाग्रतायो क्षयोदयो चित्तस्य समाधि परिणामः ततः पुनः शांतोदितौ तुल्य प्रत्ययो चित्तस्य एकाग्रता परिणामः एतेन भूतेन्द्रियेषु धर्म लक्षण अवस्था परिणामा व्याख्याताः। शांतोदिता व्यपदेश्य धर्मानुपाति धर्मी। क्रमान्वयत्वं परिणामन्यत्वे हेतुः। परिणामत्रय संयमात् अतीत अनागत ज्ञानम् शब्दार्थ प्रत्यय ना शब्दार्थ प्रत्ययानाम् इतरेतर अध्यासात् संकरः तत्प्रतिविभाग संयमात् सर्वभूत ऋत ज्ञानम्। इतनी आप लोगों से मेहनत कराई इसलिए क्षमा करें, जिनको संस्कृत पढ़ने का अभ्यास नहीं है उनके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। थोड़ा सा अगर संस्कृत का अभ्यास हो तो चीजें अच्छी समझ में आ जाती। खैर जो हो, हम लोग कुछ वी आर ट्रेडिंग सम सटल ग्राउंड जिसे हम कह सकते हैं, पतंजलि योग सूत्र के ऐसी स्थिति में है कि जो साधना विषय कई चीजों का तो हम उस पर विचार कर चुके हैं, अब कुछ ऐसी बातें हैं जो थियोरेटिकल ज्यादा हैं और उच्च कोटि के साधकों के लिए भले उपयोगी या समझ में आने जैसी हो लेकिन हम लोगों के लिए एक बहुत ऊंची बात है। और ये सब है विभूतिपात, विभूतियां, पावर्स, साइकिक पावर्स कैसे प्राप्त होते हैं, कौन से पावर्स कैसे प्राप्त होते हैं, यह सब यहां पर पतंजलि उसका वर्णन कर रहे हैं। अब श्री रामकृष्ण भी कहते हैं, स्वयं पतंजलि भी आगे कहेंगे कि ये साइकिक पावर्स जो हैं ये व्युत्थान काल में समाधियां सिद्धियां हैं, यानी लौकिक जीवन में ये सिद्धियां हैं, इससे कुछ पावर्स प्राप्त होते हैं, कुछ आप ऐसी बात कर सकते हैं जो सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकेगा, लेकिन समाधि में ये बाधा है। ये पावर्स जो हैं आपके लक्ष्य से आपको च्युत करते हैं। और श्री राम कृष्ण तो उनको ऐसी निंदा करते हुए कहते हैं कि ये विष्टा के समान। वर्णन आएगा कि आप पानी पे चल सकते हैं
एक व्यक्ति ने एक एक योगी पानी पर चलना सीख गया। 15 साल के अभ्यास के बाद पानी पर चलना उसको आ गया। तो किसी व्यक्ति के पास जाकर कहा कि देखो मैं पानी पर चल सकता हूँ 15 साल के अभ्यास के द्वारा। तो उसने कहा, हे भगवान, 15 साल तक आपने मेहनत की है वो, और जो प्राप्त किया है वो तो 2 पैसे में मुझे हो जाता है। मैं नाव वाले को 2 पैसा देता हूँ और क्रॉस कर। तो समाधि के अपने इन सिद्धियों के संबंध में सभी शास्त्रों में इस प्रकार की बात कही गई है। और आज के युग में सिद्धियां ऐसी नहीं है, अब आपको टीवी मिल जाएगा, दूरदर्शन की जरूरत नहीं है। यहाँ बैठे बैठे आप ऐसी सिद्धि कर लें कि दूर की चीज देख सकें, उसी क्या आवश्यकता है। आज तो टीवी अवेलेबल हो गया। तो समाधि का ये जो है, आधुनिक मानव जो है वो मैकेनिकल पावर्स चाहता है, जैसे टीवी का मैकेनिकल पावर, कंप्यूटर है। तो जो मैं चाहता हूँ कैलकुलेशन, वो फटाफट कंप्यूटर कर देता है। उसके लिए मन को तैयार करने की या साइकिक पावर्स की जरूरत नहीं है। संभवतः आपको मालूम होगा कि कुछ योगी ऋषि साधक अवधान करते हैं। अवधान का अर्थ है, खास करके जैन सन्यासियों में ऐसी एक प्रथा है, कि वो लोग कंसंट्रेशन की ऐसी प्रैक्टिस करते हैं कि वो 100 प्रश्नों का उत्तर एक साथ दे सकेंगे। अकेले रहेंगे, कोई पेपर नहीं है आपके पास में, कुछ लिखेंगे नहीं, और पहला आदमी आप एक प्रश्न कीजिए, वो चुप रहेंगे। दूसरा आदमी प्रश्न कीजिए, तीसरा प्रश्न कीजिए, 5, 6, 7, 8 प्रश्न आप पूछते जाइए, वो चुप रहेंगे। जब 100 प्रश्न हो जाएंगे तो उन प्रश्नों का एक एक करके उत्तर देते चले जाएंगे। शतावधानी, दशावधानी, इस प्रकार के लोग होते हैं। और बड़े विचित्र विचित्र पावर्स, मानसिक कैपेसिटी होती है। अत्यंत डिफिकल्ट प्रश्न भी आप कीजिए, कैलकुलेट कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस कीजिए, दीजिए, वो आपको बिना किताब देखे, बिना पेपर का यूज किए वो जवाब दे देंगे। ये मानसिक शक्ति, तो ये तो कंप्यूटर भी आज करता है। तो आज के युग में आधुनिक मानव चाहता है मैकेनिकल पावर्स, साइकिक पावर्स नहीं चाहता। और मैकेनिकल पावर का उपयोग होता है मैकेनिकल एडवांटेज के लिए, फिजिकल एडवांटेज के लिए, पैसे के लिए एटसेट्रा। उसके लिए दूसरे से बात करनी हो तो साइकिक पावर की क्या जरूरत, टेलीफोन उठाया, टीवी से आप दूसरी चीज जगह की चीज देख लीजिए। तो ये मैकेनिकल पावर्स, और इसका केवल भौतिक यूज उपयोगिता, केवल भौतिक फिजिकल यूज, उसमें कोई विज्ञान नहीं है, उसमें कोई धर्म नहीं है। और इससे बुरा होगा कि कोई साइकिक पावर का उपयोग करे भौतिक या सांसारिक लाभ के लिए, जिसको आप, ये आपकी जो किताब है पातंजल योग सूत्र बाय प्रभानंद, उसमें उन्होंने लिखा है डिजनरेट योगीज, टू मेक यूज ऑफ योर साइकिक पावर्स फॉर अल्टीरियर मोटिव्स। श्री रामकृष्ण के पास उनके 2 गुरु भाई थे, श्री रामकृष्ण के गुरु भाइयों की बात कर रहे हैं। उनकी गुरु थी भैरवी ब्राह्मणी, तो प्रसिद्ध तांत्रिक साधिका थी, चंद और गिरजा करके 2 उनके शिष्य थे, और श्री रामकृष्ण तीसरे शिष्य थे। अरे चंद और गिरजा, उनके पास में शक्तियां थी। एक बार चंद्र आए उनके पास, श्री रामकृष्ण के पास, और श्री रामकृष्ण को कहीं जाना था, अंधेरे में जा रहे थे, रास्ता दिख नहीं रहा था, अंधेरा था। तो चंद्र उल्टा घूम कर खड़े हो गए और उनके स्पीड से प्रकाश निकला और सारा रास्ता दिखाई दिया, और श्री रामकृष्ण आसानी से जा सके। फिर श्री रामकृष्ण कहते हैं कि माँ जगदम्बा की कृपा से वो सारी शक्ति मैंने खींच ली, ये उसके जीवन में बाधा आ गई। गिरजा को भी, वो अच्छे साधक थे, उनको अंतर्धान होने की क्षमता प्राप्त हो गई थी। अंतर्धान होने की क्षमता या कहीं घुसने की क्षमता इस तरह, और किसी बात में एक युवती के प्रेम में पड़ गए
वो अंतर्धान हो जाते थे, कोई देख नहीं पाता था, और उससे चुपके से जाके मिला करते थे। धीरे धीरे उनकी शक्ति क्षीण हो गई, उनका पतन हुआ और उनको अपमानित भी होना पड़ा। तो ये सिद्धियों का दुष्परिणाम ये होता है कि जब तक चित्त शुद्धि नहीं हो, और ऐसा व्यक्ति अगर साधना करे तो दुष्परिणाम के फल स्वरूप उसका पतन हो सकता है। इसलिए कहा गया दे आर हिंड्रेंसेस। जो हो, पतंजलि उसको एक साइंटिस्ट के रूप में पूरा वर्णन करते हैं। हमने पिछली बार 17वें श्लोक का पर विचार किया था और यह बताने का प्रयत्न किया था कि इनके पीछे का फिलॉसफी क्या है, उनके पीछे का जो साइंस है, इनके पीछे जो रैशनैलिटी है, ये हम समझ सकते हैं। जैसे लोग कहते हैं कि पक्षियों का, जानवरों की वाणी समझ में आ सकती है, लोग कुछ ऐसे लोग हैं, श्री राम कृष्ण स्वयं पक्षियों की बातचीत समझ सकते थे, और ऐसे भी कहानियां इत्यादि शास्त्रों में प्राप्त होती हैं। ये कैसे होता है? तो इसके विज्ञान यहां पर 17वें सूत्र में कहा गया है कि शब्द अर्थ और ज्ञान, कोई भी शब्द हो उसका अर्थ होता है और ज्ञान होता है। ये शब्द अर्थ और ज्ञान संकीर्ण होते हैं, यानी मिले हुए होते हैं, कंबाइंड रहते हैं। जैसे मैंने कहा था कि गाय का नाम गाय शब्द और गाय का अर्थ, और उसके बाद हमारे मन में जो ज्ञान हुआ, शब्द अर्थ और ज्ञान ये मिक्स्ड रहते हैं। इनको अगर हम सेपरेट कर सके, अगर इसको सेपरेट करें और उस पर संयम करें, तत् प्रविभाग संयमात, शब्द और शब्द के अर्थ का जो डिवीजन है उस पर संयम करने से क्या होगा, सर्वभूत रुत ज्ञानम, समस्त प्राणियों के आवाजों को हम सुन लेंगे। योगी इन तीनों को, शब्द, स्वामी विवेकानंद कहते हैं एक शब्द जब ट्रेवल होता है हमारे मन में, और जो तीसरा होता है रिएक्शन, इन तीनों को योगी सेपरेट करके उन पर वह कॉन्सेंट्रेट कर सकता है, और जब ऐसा करेगा तो वह प्राणियों की, जानवरों की वाणी को समझ सकेगा। खैर, यहां पर इतनी बात हुई, अब आगे चलें। 18वां सूत्र, संस्कार साक्षात्करणात् पूर्व जाति ज्ञानम्। संस्कार साक्षात्करणात् पूर्व जाति ज्ञानम्। संस्कार का साक्षात्कार करने से पूर्व जन्म की में हमने कैसा जाति, क्या जन्म हुआ था, कौन जाति में थे हम, किस कुल में हमारा जन्म हुआ था, हम मनुष्य थे कि पशु थे, यह सब का सब पता चल जाए। बड़ी विचित्र बात, हम सब कुछ जान सकते हैं कि इसके पहले हमें क्या क्या देखा था, क्या हुआ था, ये कैसे होगा? संस्कार के साक्षात्कार से। हम लोग संस्कार शब्द का काफा उपयोग करते हैं, हम कहते हैं अरे भाई ये तो संस्कार है, अभी आसानी से नहीं जाता। कोई व्यक्ति कहता है मुझे बहुत क्रोध आता है, कोई व्यक्ति कहता है कि कोई व्यक्ति बार बार बीमार पड़ रहा है, कोई व्यक्ति प्रयत्न करके भी साधना में आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो हम एक तो या तो कर्म फल के ऊपर कह देते हैं कि ये कर्म फल के कारण है, या फिर संस्कार की बात कर देते हैं। संस्कार यानी एक कार्य जो बार बार, अगर कोई हम कार्य कर्म का बार बार करें, बार बार करें, तो वह हैबिट बन जाता है, उसके अनुसार हम कर्म करते। तो संस्कार के ऊपर अगर मन को एकाग्र किया जाए, संस्कार साक्षात करना, उसको जानकर किया जाए, तो पूर्व जाति ज्ञान है, और ये अंडरस्टैंडेबल, इसको आसानी से समझा जा सकता है, ये कठिन नहीं है, क्योंकि पूर्व जन्मों के संस्कार संचित होते हैं और हमें किसी प्रकार से कर्म करने को प्रेरित करते हैं, किसी प्रकार एक विशेष प्रकार से चिंतन करने को प्रेरित करते हैं। अब उसको आप उस पर ध्यान लगाइए,
उस पर आप उस संस्कार विशेष पर अगर कोई कंसंट्रेट करे, संयम करे, इंटेंस कंसंट्रेशन करे, तो क्या होगा? वो कैसे हुआ, किस जन्म में, कैसे और कब संचित हुआ यह संस्कार, यह पता चलता है। जैसे एक व्यक्ति एक विशेष प्रकार से व्यवहार कर रहा है, कुछ व्यक्ति हैं जो वो लगता है कि कोई हमारे पीछे लगा हुआ है, जिसे पैरानॉइड बोलते हैं, जो लोग उनके दिमाग में ये रहता है कि सब लोग मुझे देख रहे हैं, वो सब संशयात्मक होते हैं, सबके प्रति संशयात्मक होते हैं लोग। क्यों हुआ? अगर उनके माता से पूछें तो वो बताएगी, वो कहेगी कि बचपन में लोग इसके जो विशेष था, बचपन में इसको सब तंग किया करते थे, पीछे से खोजते थे, तंग करते थे, उसे घबरा जाता था, सोचता था कि मेरे को सब तंग करने आए, और ये अब इस उम्र में इस तरह का हो। तात्पर्य यह है कि हम जो आज बने हुए हैं, जिस प्रकार हम व्यवहार कर रहे हैं, जो हमारी आदतें हैं, संस्कार क्या है, सच पूछा जाए एक प्रकार की हैबिट्स हैं, जो हमारी आदतें हैं, उस आदत विशेष पर अगर हम ध्यान करें, एकाग्र करें मन को, तो पता चल जाएगा कि आदत कैसे पड़ी, पूर्व जन्म का सारा ज्ञान प्राप्त हो सकता है, ये आसानी से हम समझ सकते हैं। यही बात यहां पर कही गई है। स्वामी विवेकानंद भी इसी संबंध में यही कहते हैं, हम जो कुछ अनुभव करते हैं वह समस्त हमारे चित्त में तरंग के रूप में आया करता है, वह फिर चित्त रूपी सरोवर की तली में चला जाता है। याद रखिए, एक तो चित्त वृत्तियां हैं। स्वामी विवेकानंद बड़ा सुंदर दृष्टांत देते हुए कहते हैं कि एक सरोवर है और सरोवर पर तरंगे उठ रही है, ये तरंगे किनारे पर जाकर एक झटका मारती है, किनारों की रेत के ऊपर एक इंप्रेशन पड़ा, दूसरी तरंग आकर किनारे की रेत पर इंप्रेशन मारती है, धीरे धीरे किनारे की रेत जो है वो एक विभिन्न एक स्पेशल प्रकार से बन जाती है, उसके ऊपर बार बार तरंग पड़ी तो वो भी तरंगायित होकर रह जाती है, तरंग तो खत्म हो गई लेकिन किनारे के ऊपर एक इंप्रेशन बन गया। उस इंप्रेशन पर अगर आप कॉन्सेंट्रेट करें तो आप पता लगा सकते हैं कि कौन कौन सी तरंगों ने जाकर उसके ऊपर कौन इंप्रेशन प्रोड्यूस किया। यही बात स्वामी जी कहते हैं, फिर चित्तरूपी सरोवर की तली में वह चित्त का की तरंग चली जाती है और क्रमशः सूक्ष्म से सूक्ष्मतर होता जाता है, वह बिल्कुल नष्ट नहीं होता, वह वहां जाकर अत्यंत सूक्ष्म भाव से रहता है। यदि हम उस तरंग को फिर से ऊपर ला सकें तो वह स्मृति कहलाएगी। अतएव योगी यदि मन के इन सब पूर्व संस्कारों में संयम करे तो पूर्व जन्मांत की बातों का स्मरण करना आरंभ कर सकते। तो ये बिल्कुल साइंटिफिक है कि हम अगर संस्कारों पर गहरे अपने गहरा ध्यान करें, हमारी आदतों पर गहरा ध्यान करें, तो हम पता लगा लेंगे कि हमने पहले क्या क्या अनुभव किए इस जन्म में और उसके पहले के जन्म। प्रत्ययस्य परचित्त ज्ञानम्, प्रत्ययस्य परचित्त ज्ञानम्, प्रत्ययस्य संस्कारात् साक्षात्कारात् या प्रत्यय पर एकाग्र मन को एकाग्र करने से क्या होता है? परचित्त ज्ञानम्, दूसरे की मन की बात समझ सकते हैं। परचित्तस्य क्या कैसे करना है, दूसरे के मन की बात कैसे जानना, दूसरे के मन को कैसे जानना, श्री रामकृष्ण किया करते थे, कोई आता था तो पहचान जाते थे, पता लगा लेते थे। उनके पास कोई आता था और उसके मन में कोई प्रश्न होता था तो वो बातचीत करते ही पता चल जाता था कि इसके मन में स्वामी श्री रामकृष्ण वही बात करते थे जो उसके मन में हो। उदाहरण के लिए स्वामी शिवानंद जी महापुरुष महाराज श्री रामकृष्ण के शिष्य थे, तारकनाथ घोषाल
जब वे श्री राम कृष्ण के पास सबसे पहले आए तो उसके पहले समाधि के बारे में उनको बहुत रुचिक थी जानने के बारे में, ध्यान खूब किया करते थे। और जैसे ही श्री राम कृष्ण पास पहली बार आकर प्रणाम करके बैठे, वो आश्चर्यचकित हो गए कि श्री राम कृष्ण केवल समाधि के बारे में चर्चा कर, उसको आश्चर्यचकित हो, ये कैसे हुआ। श्री राम कृष्ण में वो कैपेसिटी थी, ये उनके लिए तो दिस वॉज वेरी इजी, वेरी कॉमन, वो उनका मन जो था वो मानो उसी लेवल पर रहता था। लेकिन और भी दृष्टांत हैं जो मैं अभी आपको बताने का प्रयत्न करूंगा। स्वामी शिवानंद जी जिनकी बात अभी मैंने कही उन्हीं की बात है, वे स्वामी विवेकानंद के साथ उत्तर भारत में कहीं भ्रमण कर रहे थे। तो भ्रमण करते हुए एक स्थान पर आए और एक व्यक्ति ने उन्हें चैलेंज किया, क्या आप स्वामी शिवानंद जी से, आप क्या दूसरे के मन की बात जान सकते हैं, मेरे मन की बात जान सकते हैं। शिवानंद जी कुछ नहीं बोले, स्वामी विवेकानंद ने उनके काम से कान में धीरे से कुछ कह दिया, एक टेक्निक बता दी, वो जिसकी चर्चा अभी हम करेंगे। और शिवानंद जी ने कहा हाँ मैं तुम्हारे मन की बात जान सकता हूं, और उन्होंने जान लिया। और ऐसे है जैसे आपको किसी ने बता दिया कि तुम इस तरह करो तो ये कर दिया, जैसे कहा ना कि भाई ये ड्राइव लगाना है तो इस तरह बैठ को करो, और उन्होंने समझ किया और वो कर दिया। इतने आसान था इन लोगों के लिए वो उस टेक्निक को करना। तो वो टेक्निक अभी मैं बताऊंगा, यहां पर उसका वर्णन भी है। श्री रामकृष्ण कैसे जानते थे, श्री रामकृष्ण कई प्रकार से लोगों के मन की बात जान सकते थे, इसका वर्णन स्वामी शारदानंद जी की श्री रामकृष्ण द ग्रेट मास्टर उस पुस्तक में लिखा हुआ है। श्री रामकृष्ण एक तो लोग आते थे तो उनसे पूछते थे तुम कहाँ से आए हो, कहाँ क्या रहते हो, कैसे करते हो, जैसे हम किसी व्यक्ति के बारे में इंट्रोडक्शन प्राप्त करते हैं ना, कौन हो, कहाँ हो, क्या पढ़ाई लिखाई की, आपके पिताजी कौन है, यू गेट ए डिटेल आइडिया, बायोडेटा। तो श्री रामकृष्ण बायोडेटा भी लोगों का लेने का प्रयत्न करते थे, उनके पूछते थे तुम्हारे जीवन का उद्देश्य क्या है, क्या करना चाहते हो, उनके विचारों को जानने का प्रयत्न, एक तो इस प्रकार से। दूसरा, श्री रामकृष्ण फिजियोग्नोमी जानते थे। श्री रामकृष्ण जानते थे कि वो व्यक्ति आता तो उसका हाथ अपने हाथ में ऐसा लेकर तोलते थे, कहते थे जो भारी हाथ होता है वो ठीक नहीं, जो हल्का होता है वो आध्यात्मिक होता है, जिसकी नाक लंबी है, जिसकी आंख टेढ़ी है, जिसको पैर ऐसा है, हाथ ऐसा है, बहुत सारी बातें फिजियोग्नोमी की श्री रामकृष्ण जानते थे, और इसलिए व्यक्ति को देखकर पता लगा लेते थे कि ये कैसा व्यक्ति। याद रखिए फिजियोग्नोमी जो हमारा शरीर का गठन है यह मन पर भी आधारित है। अगर कोई व्यक्ति निरंतर शुभ चिंतन करे तो उसका चेहरा बताएगा कि यह व्यक्ति शुभ चिंतन करे। एक व्यक्ति निरंतर प्रसन्न रहे तो उसका चेहरा बताएगा कि यह व्यक्ति प्रसन्न रहता है। स्वामी विवेकानंद एक बार किसी परिव्राजक अवस्था में ही किसी संत को देखे मिले, और उन्होंने बाद में कहा था कि एवरी लाइन ऑफ द फेस शोड दैट ही वॉज जीवन मुक्त, उसके चेहरे का प्रत्येक लाइन बता रही थी कि वह जीवन मुक्त है। कोई क्रूर व्यक्ति है, निरंतर क्रूर चिंतन करता रहता है तो उसका चेहरा देख के समझ में आ जाता है कि क्रूर। तो ये आदमी अगर टेढ़ा देखता है तो समझ जाता है कि दूसरे प्रकार का है, कुटिल है। तो ये इतनी सारी बातें, ये शरीर मन का प्रभाव शरीर पर पड़ता है, ये वेल नोन फैक्ट है, और इसके ऊपर लोगों ने बहुत सारा रिसर्च किया। पुस्तकें आपको मिल जाएंगी इसके बाद, कई पुस्तकें बड़ी अच्छी पुस्तकें हैं इस तरह की हैं, फिजियोइकोनॉमिक्स से, कि आप बॉडी से मन को समझो, हैंडराइटिंग से समझना भी होता है, इत्यादि इत्यादि। तो श्री रामकृष्ण दूसरा इस प्रकार जानते थे। और तीसरा, श्री रामकृष्ण को अपने योगिक इनसाइट से जानते, जो इसकी हम चर्चा अभी कर रहे हैं, बिना उसके व्यक्ति को देखकर पहचान जाते थे, उनको डिवाइन मानो एक गाइडेंस प्राप्त हो जाता था कि अमुक व्यक्ति कौन है, कहाँ से आया है। नरेंद्र को, स्वामी विवेकानंद को देख के ही उन्हें पहचान लिया कौन है, स्वामी ब्रह्मानंद जी को देख के पहचान लिया कौन है, मास्टर महाशय जब उनके पास आए तो उनसे बात करके वे पहचान गए कि ये तो
वो अपने चैतन्य महाप्रभु के दल के हैं इत्यादि इत्यादि। तो यहां पर कहा गया है, क्या कहा गया है कि प्रत्ययस्य चित संस्कारात् या प्रत्यय के उस पर संयम करने से प्रत्ययस्य संयमात् परचित्त ज्ञानम्। यहां संयम लगाना पड़ेगा। अब प्रत्यय का अर्थ स्वामी विवेकानंद करते हैं दूसरे के शरीर में जो चिन्ह है उनमें संयम करने से उस व्यक्ति के मन का ज्ञान हो जाता है। जो मैंने अभी कहा इसके पीछे जो साइकोलॉजी है या फिलॉसफी है या रीजन है वो यहां का। लेकिन एक दूसरी व्याख्या भी है और वो भी महत्वपूर्ण है जिसकी चर्चा मैं करना चाहता हूं। और ये है प्रत्यय का अर्थ। प्रत्यय का अर्थ तीन प्रकार का प्रत्यय दिया गया है जैसे शास्त्रों में व्याख्या में, स्वचित्त और परचित्त। स्वयं के चित्त पर ध्यान करने से या दूसरे के चित्त पर ध्यान करने से, और एक व्याख्याकार भोज हैं उनके अनुसार मुख राग आदि से शर्मुख चेहरा कैसा है ऐसा, जिसकी चर्चा स्वामी विवेकानंद कर चुके हैं। याद रखिए अपने मन में जो प्रत्यय है अपने मन में जो ज्ञान है उसको केयरफुली सेपरेट करकर उसके साक्षात्कार किए बिना पराय प्रत्यय का साक्षात्कार कैसे होगा। हम अपने मन में उठ रहे ज्ञान को नहीं जानते। हम अपनी प्रकृति प्रवृत्ति हमारे मन का गठन नहीं जानते, उसको दूसरे का गठन कैसे जाने। तो उसके लिए सबसे पहले आवश्यक है कि हम अपने मन को पूरी तरह जाने। हमारा मन हमें किस प्रकार छल रहा है, हमारे मन में राग द्वेष वासनाएं कैसे उठ रही हैं, कौन कौन से विचार हमें में उठ रहे हैं और किस किस कारण उठ रहे हैं, इनको अगर नहीं जानेंगे तो दूसरे के मन को कैसे जाने। तो इसकी पहली प्रक्रिया है कि अपने प्रत्यय को जानना। यहां कहा प्रत्ययस्य, तो किसका प्रत्यय, स्वप्रत्यय। अगर हम अपने मन को ठीक ठीक अच्छी तरह जान लेवे तो याद रखिए दूसरे का मन जान सके। जो व्यक्ति अपने को स्वयं को पूरी तरह जानता है अपने मन में उठ रहे विचारों अपने वेयर ही स्टैंड्स जिसे हम कह सकते हैं, अपने को छल रहित रूप से जो व्यक्ति जानता है वो तो जानता है कि मैं कितने गहरे पानी में, लोग चाहे मुझे कैसा समझें, मैं अपने आप में कैसा हूं, मेरा मन कैसा है, मुझ में वासनाएं कैसी हैं इत्यादि। जो व्यक्ति अपने आप को जानता है वो दूसरे को बहुत आसानी से समझ सके। कितनी महत्वपूर्ण बात है। यहां पर इसलिए शास्त्रकारों ने दो व्याख्याएं की हैं। एक तो की है स्वचित्त। स्वप्रत्यय का अर्थ क्या है, स्वप्रत्यय, मेरे मन में मन को अच्छी तरह मैं जान जाऊं। फिर तो व्यक्ति जो अगर अच्छी तरह अपने मन को जानता है, मन के छलों को जानता है, मन कैसे इधर उधर बात कर रहा है, कैसे मैं दूसरे वस्तुओं को छिपा रहा हूं इत्यादि, वह व्यक्ति दूसरे को अच्छी तरह पहचान। दूसरा है दूसरी टेक्निक है स्वचित्त को शून्यवत करना। और यही बात स्वामी विवेकानंद ने स्वामी शिवानंद जी को कही थी जब किसी व्यक्ति ने उनको चैलेंज किया कि आप अगर क्या देखते हैं दूसरे को संस्कार देख सकते हो। स्वामी विवेकानंद ने धीरे से कान में कह दिया अपने मन को खाली कर दो और उस व्यक्ति के मन पर कॉन्सेंट्रेट करो बस। तो जो विचार तुम्हारे मन में उठेंगे वो उसके विचार, बड़ी आसानी बोल दिया, अपने मन को पूरा खाली कर दो और उसके मन पर कॉन्सेंट्रेट करो। तो जो तुम्हारे मन में विचार उठेंगे वो उस व्यक्ति के विचार। और उन्होंने किया, उनके लिए तो अब आसान था, अपने मन को खाली कर दिया और लगा दिया एक मिनट में कर। ये दूसरी टेक्निक है
जिसके द्वारा व्यक्ति दूसरे के मन को जा सकता है। तो यहां पर तीन प्रकार की टेक्निक बताई गई पर चित्त जानने के लिए। पहला, व्यक्ति के शरीर के जो साइंस हैं, फिजियोग्नोमी के साइंस है, उस पर मन को एकाग्र करना। दूसरा, स्वयं के चित्त को पर मन को कॉन्सेंट्रेट करके स्वयं के मन में उठ रहे विचारों इत्यादि को अच्छी तरह जान जाना। हमारे राग द्वेष क्या है, हम क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। और तीसरा, दूसरे अपने मन को खाली करके दूसरे के मन पर प्रत्यय पर एकाग्र करना, मन को संयम करना, उससे दूसरे के व्यक्ति के मन की बातें जानी जा सकती। अगला सूत्र है, न च तत् सालंबनम तस्या विषयी भूतत्वात्। न, इस पर हमने कॉन्सेंट्रेट किया पूरा, इसका दूसरा अंग्रेजी में ट्रांसलेशन में कहते हैं, द फॉर्म एंड द थिंग फॉर्म आर सेपरेट। ये मेरा रूप, ये तो फॉर्म है, बट द थिंग फॉर्म वो सेपरेट। तो जो रूप है उसको अगर वस्तु विशेष से अलग कर लिया जाए, बड़ा मुश्किल है, समझना ही मुश्किल, तब क्या होगा कि उस वस्तु को और दूसरा व्यक्ति उसको देख नहीं पाए। यहां कहते हैं आंख की प्रकाश शक्ति के साथ उसका संयोग नहीं होगा। कोई व्यक्ति देख रहा है और मेरा रूप है, मैं अपने रूप पर इस तरह संयम तीव्र एकाग्र मन को करूं और उसको मैं उसके देखने की शक्ति से पृथक कर लूं, वो देख रहा है, प्रकाश शक्ति मेरे रूप पर नहीं पड़ेगी, उसको नहीं दिखाई। ग्राह्य शक्ति स्तंभ है, उसके जो ग्रहण करने की शक्ति है उसको स्तंभित कर दिया। अब ये कैसे होता है, इफ द लाइट ऑफ द बॉडी फ्रॉम द बॉडी इज प्रिवेंटेड फ्रॉम कमिंग इन कॉन्टेक्ट विद द आईज, मेरे बॉडी से प्रकाश जो निकल रहा है उसको अगर आपकी आंखों के सामने नहीं आने दूंगा मैं, तो आप नहीं देख सकेंगे। इसको कैसे करेंगे, इसकी टेक्निक है, ये यहां पर बताया। जो हमारी सत्ता है वो जो रूप है उससे भिन्न है, ये कहा गया। ये नाम और रूप तो हमने दिए गए हैं, ये सत्ता हमारी बॉडी की जो सत्ता है वो हमारे रूप से भिन्न है। तो रूप कर ऐसा संयम किया, रूप को हमने स्तंभित कर दिया, व्यक्ति देख नहीं पाएगा। श्री राम कृष्ण कहते हैं, या स्वामी विवेकानंद कहते हैं, मान लो कोई योगी इस कमरे में खड़े हैं, वे आपात दृष्टि से सबके सामने से अंतर्धान हो सकते हैं, गायब हो गए, लेकिन हैं वहां पर, गायब नहीं हुए हैं, आप देख नहीं पा रहे। He will not disappear. He is still there, but you cannot see. कैसे? वे वास्तव में अंतरान हो जाते हो सो बात नहीं, पर हाँ कोई उन्हें देख नहीं सकेगा, बस इतना ही। शरीर का रूप और शरीर, ये देखिए, शरीर का रूप और शरीर, इन दोनों को मानो वे अलग कर डालते हैं। Form of the body and form. जब योगी ऐसी एकाग्रता शक्ति प्राप्त कर लेते हैं कि वे वस्तु के रूप और उस वस्तु को दूसरे से अलग कर डालते हैं, तभी इस प्रकार की अंतर्धान शक्ति उन्हें प्राप्त होती है। रूप और उसका रूपवान वस्तु से के साथ पार्थक्य में संयम प्रयोग करने से उस रूप को अनुभव करने की शक्ति में मानो बाधा पड़ती है, क्योंकि रूप और उस रूप विशिष्ट वस्तु के
परस्पर संयुक्त होने पर ही हमें वस्तु का ज्ञान होता है। दिस इज संक्षेप में यह है, लेकिन कैसे होगा? रूप को और जिस वस्तु का रूप है उस दोनों में, वस्तु और रूप में पृथक कैसे करना, बड़ा मुश्किल। अगले सूत्र में कहा एतेन शब्दादि अंतर्धानम उक्तम, पढ़िए, एतेन शब्दादि अंतर्धानम उक्तम, इसी प्रकार से शब्द आदि के अंतर्धान होने, इसके द्वारा शब्द आदि के अंतर्धान होने की, अर्थात शब्द आदि को दूसरों के को इंद्रिय गोचर न होने देने की भी व्याख्या कर दी गई। इससे अगर व्यक्ति है तो उसका स्पर्श को उसके शरीर से पृथक कर लिया, तो आप स्पर्श करेंगे तो नहीं छुआ जाएगा। आंख से बात हो गई, कान से, शब्द आदि, शब्द जैसे रूप की बात कही वो आंखों से दिखता है, शब्द कानों से सुनाई देता है। योगी ऐसा कर सकता है कि ऐसा संयम करेगा कि वो बोलेगा लेकिन आप नहीं सुन पाओगे, उसने उसको पृथक कर दिया। कुछ संतों के जीवन की घटना आती है, सूफी संत, अरब मुस्लिम संत प्रसिद्ध हो गए हैं ये, जहां ये इराक, ईरान, बसरा का आपने नाम सुना होगा, बसरा में जहां पर युद्ध हुआ था, बगदाद, बसरा, यहां पर प्रसिद्ध संत हुए हैं पहले जमाने में। एक राबिया का नाम आपने सुना होगा, एक बायजिद बस्तामी थे, एक हसन बसरी, बसरी थे, बसरा के थे हसन, और उनके एक दूसरे शिष्य थे हबीब अजमी। हबीब भी बहुत संत हुए, उनके शिष्य थे वे। तो एक दिन ये हसन के पीछे, हसन बसरी के पीछे पुलिस वाले कुछ जो आए, उन्होंने किसी ने उसने बोला होगा इसको पकड़ के लाओ, तो बेचारे भागे डर के मारे। तो हसन ये हबीब के घर में पहुंचे, हबीब बाहर थे, तो कहा कि अरे ये मेरे को चोर पकड़ने आ रहे हैं। तो उसने कहा कि आप बैठक खाने में चले जाइए, छिप जाइए, बैठक खाने में चले जाइए, अपने ड्राइंग रूम में आप वहां जाके छिप जाइए। वो चले गए, छिप गए। इतने पुलिस वाले आए, कहा कि हसन को देखा है, यहाँ देखा, कहाँ है, मेरे बैठे खाने में छिपे हुए, बता दिया। अब वो लोग गए अंदर, खूब ढूंढा, बहुत देर तक ढूंढते रहे, तो कहा कि तो नहीं मिले। तो आके बोला कि तुम बोल रहे हो कि इसमें छिपे हुए हैं तो नहीं मिले, तो कि मैं क्या करूं, तुमको नहीं देखे तो मैं क्या करूं, है वहीं पे देखो। फिर ढूंढा, नहीं मिले, लेकिन जितनी बार वो ढूंढे नहीं मिले, और साफ कहते हैं कि हैं वहीं पे, मैं कह रहा हूँ वहीं पे, तुमको नहीं मिले तो मैं क्या करूं, मेरा कोई जुन्दोष नहीं। जब पुलिस वाले चले गए और हसन निकले वहां से, तो हसन बहुत गुस्सा हुए कि तुम कैसे शिष्य हो जी, मैंने यहाँ छिपाया, तुमने बता दिया उनको। तो उन्होंने कहा अगर मैं झूठ बोल देता कि आप नहीं है ना, तो आप जरूर पकड़े जाते, मैंने सच बोल दिया इसलिए आप बच गए। अब किसने संयम किया ये नहीं, लेकिन स्पर्श किया तो भी नहीं। फिर हसन कहते हैं कि कितनी बार उन्होंने मुझे स्पर्श किया लेकिन पता नहीं चला, कई बार स्पर्श किया मुझे लेकिन मालूम नहीं उनको। तो योगियों में ये कैपेसिटी होती है कि वो संवेदन और वस्तु उसको सेपरेट कर सकें, ये यहां पर बताई गई है। इस संदर्भ में ये विभूतिपाद पढ़ने के बाद में अगर आप संतों की जीवनी फिर से पढ़ें तो बहुत मजा आएगा। आप देखेंगे कि उनके जीवन में कैसे कैसे चमत्कार होते थे, विचित्र विचित्र बातें होती थी, और तब आप पढ़ेंगे देखेगा कि हाँ कैसे हुआ होगा, ये सब बिल्कुल चीजें ठीक ठीक समझ में आएंगी। सोपक्रमम निरुक्रमम च कर्म तत्संयमाद अपरांत ज्ञानम अरिष्ट ने बिभ्योवा। स उपक्रमम निरुपक्रमम च कर्म तत् संयमात् अपरांत ज्ञानम
अरिष्टेभ्य वा। यहां क्या कहा गया है? स उपक्रमम, उपक्रमम यानी जो फलित होने वाला है, स उपक्रमम यानी शीघ्र फल देने वाला, और निर उपक्रमम जो अभी फल नहीं दे रहा है बाद में फल देगा, ऐसे च यानी और, च बीच में लगेगा, स उपक्रमम और निर उपक्रमम यानी शीघ्र फल देने वाला और देर से फल देने वाला, ऐसे दो प्रकार के कर्मों, उन पर संयम करने से, उन पर मन को कॉन्सेंट्रेट करने से क्या होगा? अपरांत ज्ञानम, क्या होगा? देह त्याग का समय, अपरांत, अपरांत यानी मरने का समय पता चल जाए। जिन कर्मों ने फल देना प्रारंभ कर दिया, हम जानते हैं, हम समझ जाते हैं कि हम एक पर्टिकुलर पोजीशन में हैं, हम एक ऑफिसर बन गए, हमारा अपॉइंटमेंट हो गया, हम कुछ काम विशेष कर रहे हैं और हमें कुछ सुख दुख प्राप्त हो रहे हैं, उनके कॉन्स्टेंटली फल हम प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन कुछ शुभ फल कर्म हो रहे हैं, अशुभ पड़े हुए हैं, उसका दुख भोगना पड़ेगा बाद में हमें, तो वो अशुभ कर्म उन पर, और जो अभी कर्म हम फलित हो रहे हैं उनके कर्म के भोग हम वो प्राप्त हो रहे हैं, इन दोनों पर अगर कोई संयम करे तो क्या होगा? मृत्यु कब होगी पता चल जाए। और ये भी समझा जा सकता है, अंडरस्टैंडेबल, जब कर्म खत्म होंगे तभी तो मृत्यु होगी। और कर्म दो प्रकार के, प्रारब्ध कर्म जिसे हम कहते हैं, हमें प्रारब्ध कर्म के कारण यह शरीर प्राप्त हुआ है, ये प्रारब्ध कर्म दो प्रकार के, याद रखिए कर्म तीन प्रकार के हैं, एक तो क्रियमाण, एक संचित और तीसरे प्रारब्ध। संचित कर्म बहुत सारे और पड़े हुए हैं, क्रियमाण जो अभी हम कर्म कर रहे हैं उसका फल संचित होने वाला है, और जो हम आज जीवन में भोग रहे हैं वो हमारे प्रारब्ध कर्मों के कारण, उसी कारण हमें ये मनुष्य देह मिली है और हम उसको भोग कर रहे हैं। अब इन कर्मों में प्रारब्ध कर्म है, इनमें भी दो प्रकार के कर्म है, एक जिन कर्मों का फल देना प्रारंभ हो गया और दूसरा जिन कर्मों का फल देना अभी प्रारंभ नहीं हुआ है बाद में होगा, उन दोनों पर अगर ध्यान करें, कॉन्सेंट्रेशन करें, संयम करें, तो निश्चित रूप से कब मृत्यु होगी पता चल जाएगा। और योगी डिसाइड करके दे देते हैं, एग्जैक्ट डेट बता देते हैं कि इस समय इस स्थान पर मेरी मृत्यु होगी, ऐसा बता सकते हैं, ऐसा कैलकुलेट करके। स्वामी विवेकानंद ने तो डिसाइड कर दिया था कि इस समय, वो तो मृत्युंजय थे, वो तो मृत्यु इच्छा मृत्यु का वर भी उन्हें प्राप्त हुआ था, उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। जग योगी अपने कर्म में अर्थात अपने मन के उन संस्कारों में जिनका कार्य प्रारंभ हो गया है तथा उनमें जिनका कार्य अभी प्रारंभ नहीं हुआ है संयम प्रयोग करते हैं, तब वे उन संस्कारों के द्वारा जिनका कार्य अभी प्रारंभ नहीं हुआ है यह ठीक जान लेते हैं कि उनकी मृत्यु कब होगी, किस समय, किस दिन, कितने बजे, यहाँ तक कि कितने मिनट पर उनकी मृत्यु होगी, यह सब उन्हें ज्ञात हो जाता है। हिंदू लोग मृत्यु की इस निकटता को जान लेना विशेष आवश्यक समझते हैं, क्योंकि गीता में यह उपदेश है कि मृत्यु समय में के विचार परवर्ती जीवन को निर्धारित करने में विशेष समर्थ हैं। अंतकाले स्मरण स्मरण मुक्त्वा कल्वेलरम, जो है ना गीता में भगवान कहते हैं कि जिस अंतकाल जो जो स्मरण करके शरीर त्याग करोगे वैसा वैसा तुम्हारा नेक्स्ट जन्म होगा, इसलिए कहते हैं तस्मात सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च, इसलिए समस्त सारे हमेशा मेरा स्मरण करो, मेरा स्मरण करो। क्यों ऐसा है कि हम अंतकाल भगवान का स्मरण करेंगे ऐसा होगा नहीं, जब तक आप कंटिन्यूअसली सारे जीवन अभ्यास नहीं करोगे भगवान के स्मरण का तो अंतिम काल में भगवान का स्मरण नहीं होगा, ये याद रखिए। तो
यहां पर एक बात कही गई, कर्म पर संयम करने से मृत्यु का समय पता चल जाता, और कर्म दो प्रकार। एक और बात कही, अरिष्टेभ्यः, अरिष्ट याने क्या, मृत्यु के लक्षण, मृत्यु के लक्षण, ये एक पूरा एक अरिष्टों का एक साइंस है, याद रखिए। और बहुत मैं संक्षेप में आपको थोड़ी सी बातें बता दूं, जैसे आध्यात्मिक यानी हमारे शरीर से संबंधित हुई साइंस ऑफ, जैसे पोर्टेंट्स कहते हैं, कुछ लक्षण दिखे, बाहर कुछ खराब गलती होने वाली है, जैसे हम कहते हैं बिल्ली रास्ता काट गई, यह अच्छा पोर्टेंट नहीं है, या टिकटिकी खिटकी अपने जो छिपकली है ने कुछ कुछ किया, तो ये सब पोर्टेंट माने जाते हैं। मैंने एक सिनेमा देखा था, द लॉन्गेस्ट डे, संभवतः आप लोगों में से किसी ने देखा होगा, वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का था, जब एलाइड फोर्सेस ने फ्रांस के कोस्ट के ऊपर अटैक किया था, फ्रांस जर्मनी ने ऑक्यूपाई कर रखा था, तो वहां पर वर्णन ऐसा आता है कि एक जर्मन ऑफिसर कोस्ट का इंस्पेक्शन करने गया, और उसका कुत्ता भी साथ में गया, अल्सेशियन कुत्ता, और वो दूरबीन से देखता है, कुछ नहीं दिखा देता, वो उसको शोर लाइन को देखता है, वो समुद्र की, इतने में उसका कुत्ता भाग जाता है, उसको बुलाता है वो, तो कुत्ता भाग गया, वहां से गायब हो गया। अल्सेशियन तो जनरली जाते नहीं है, वो बड़े वफादार होते हैं अपने पिता मास्टर के, वो भाग गया, उसको बड़ा आश्चर्य हुआ, बिल्कुल वहां से डिसअपियर्ड, रन भाग गया। उसके बाद में अंतिम समय थोड़ी देर रहा, उसके बाद जब वापस जाने लगा तो पुनः उसने जब मैं उसको देखा तो उसको कोस्ट लाइन के ऊपर छोटे छोटे ड्रॉप्स दिखाई दिए, पॉइंट दिखाई दिए, धीरे धीरे उसने देखा कि पूरा शिप, एक पूरे जहाज की एक लाइन वहां से, और नेक्स्ट मोमेंट एक बम्बार्डमेंट चालू हो गया। ये कुत्ते को पहले पता चल गया कि बम्बार्डमेंट होने वाला है। आप देखेंगे चींटियां दो दिन पहले, बारिश अगर होने वाली है उसके दो दिन पहले चींटियों का मूवमेंट चढ़ पड़ जाता है। बिल्ली, एक कहानी मैंने पढ़ी थी, बिल्ली अपने मुंह में अपने बच्चे को लेके भाग रही है। एक व्यक्ति आया, उसकी मां ने तत्काल उसको बुलाया था, मैं कहानी में नहीं जा रहा विस्तार में, विचित्र कहानी है वो, तो उसकी मां ने जल्दी से बुलाया उसके बेटे को, बेटा जैसे आया मकान गांव में जैसे घुसा तो उसने देखा कि बिल्ली अपने बच्चे को मुंह में दबा के तेजी से गांव के बाहर भाग रही है। उसने समझ लिया कि ये अपशुकन अच्छा नहीं, ये पोर्टेंट। उसकी मां ने आकर उसके बाद में उसको कहा कि चल चल ऐसा कर ऐसा कर, उसने मना किया कि मां ऐसा नहीं करना है, मैं उसको जान करके कुछ एक गंदी कहानी है, लेकिन उसके कुछ भाव है, वो एक धर्म के नाम पर किसी गंदगी लोग करते हैं ऐसा सब है। और माँ ने कहा ऐसा कर ऐसा कर ऐसा कर, उस बच्चे ने कहा कि अच्छा ठीक है, वो माँ नहीं माने, तो कहा ठीक है चलो, माँ चल नहीं पाती थी, उसने माँ को कंधे पर बिठाया और सीधा गांव के बाहर चला गया, दौड़ के बाहर चला गया। जैसे ही बाहर गया वो पूरा के पांव, जैसे अर्थक्वेक होता है, पूरा का अर्थक्वेक हुआ वहां पर, और गांव पूरा का पूरा डूब गया, और वहां पर एक लेक बन गई, ऐसी कहानी। लेकिन ये क्या इंपोर्टेंट, इसको बोलते हैं अरिष्ट। कई प्रकार के अरिष्ट होते हैं, एक तो हमारे शरीर में अरिष्ट हो सकते हैं कई प्रकार के, एक कहते हैं कान बंद करके अपने देह को शब्द को सुनना, अब कान बंद करके अगर सुनेंगे, आंख मूंद कर कान को बंद करके, तो थोड़ा कुछ सुनाई देगा, आंख बंद करके आप ज्योति देख सकते हैं, वो अगर नहीं दिखे यू कैन इमेजिन, इस प्रकार के हैं। अब ये बहुत टेक्निकल साइंस है इसका, अरिष्ट का। आदि भौतिक कैसे है, यम के दूत, यमदूत को देखना, या पूर्वजों को देखना, कोई लोग है कि पूर्वजों को दिख रहे हैं, या आप ये फिर पुनः संतों की जीवनी में आप प्राप्त करेंगे, उनको लगता है कोई आदमी दिख गया अचानक, अरे ये क्यों दिख गया, यमदूत दिख गया, अरे ये क्यों दिख गया, कुछ गड़बड़ है, किसी की मृत्यु होने वाली,
या फिर अपने पूर्वजों को देख लिया, उसने कुछ गड़बड़ है। ये योगी लोग कर सकते हैं। फिर आदि भौतिक आदि दैविक क्या है, सहसा स्वर्ग या सिद्धों को देखना या समस्त विपरीत देखना, ये सारी की सारी बातें, ये इनको बोलते हैं अरिष्ट। और ये पूरा एक विज्ञान है जिसके चर्चा हम आगे नहीं करेंगे। ये आप संक्षेप में इस सूत्र आपको मैंने समझा दिया, ये सूत्र का अर्थ क्या होगा। तो समय लगभग हो गया है, यहीं पर हम समाप्त करते हैं, इसके आगे के सूत्र अगली बार करेंगे। योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम् मलम शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि।